राजगुरु सुखदेव शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर शहरवासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर शहर के पंडे पुजारी और तीर्थ पुरोहित सहित व्यापारियों सहित स्थानीय रहवासियों ने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की पुण्यतिथि पर इन्हें याद किया और देश के लिए कुर्बानी देने वाले ऐसे वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्पांजलि आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जवानों को याद किया गया, किस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और क्या रहा? आज शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव थापर को और हमारे रामघाट के जाबाज तैराक पंकज चावड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और देश से कामना की गई है कि इन शहीदों को बाबा महाकाल और शिप्रा माता इनके आशीर्वाद से अमर रखे और सब कार्य इनका बाबा महाकाल सब इनका अनुसरण करें। बताइए किस प्रकार से आज वीर सपूतों को याद किया गया, किस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, किस प्रकार से क्या रहा? आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर इन तीनों वीरों को आज माँ शिप्रा तैराक दल ने अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। साथ ही हमारे तैराक पंकज चावड़ा को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है इनके साथ में। यह कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार इस बार भी तैराक दल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समिति और यहाँ के जो घाट के जो जो व्यापारी एसोसिएशन है उनके साथ में, फोटोग्राफरों के साथ में, साथ में सेन समाज के जो बंधु यहाँ पे अपने कार्य करते हैं उन सब के साथ में मिल करके और इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, उसी अनुसार आज इस अवसर पे इन्हें श्रद्धा सुमन सब लोगों से अर्पित किए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।